इसको देखिए, अभी इस बोर्ड का मैं पूरा कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा एक स्विच से ये दोनों सॉकेट, और इस स्विच से ये सॉकेट को मैं भी ऑपरेट करूँगा, ठीक है। इस स्विच से ये दोनों भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस स्विच से मैं दोनों कनेक्शन करूँगा। भाई पूरा कनेक्शन देखते रहे। सबसे पहले मेरे पास दो स्विच है, तो ये दोनों स्विच के मैं नीचे पर दोनों को शॉर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले टाइट कर दिया, मैं ये दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक मेन लाइन निकाल लूँ, पूरा कनेक्शन देखते रहिए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये सॉकेट में एक मेरे को अर्थिंग डालना है, इसमें एक अर्थिंग डालना है, एक इसमें अर्थिंग डालना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक तीनों सॉकेट को पहले शॉर्ट कर दूँगा। अब ऊपर में भी कर सकते हैं इसके, इस वाले से भी, लेकिन मुझे इससे करने में ईजी है, इसलिए मैं इसमें करता हूँ। किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बीच में कर दिया कनेक्ट, अब उसको इस सॉकेट से कनेक्ट करना है। देखिए इलेक्ट्रिकल का काम है, इसमें क्या है, जल्दीबाजी नहीं करना है और आराम आराम से देख के ध्यान से करना है। इसका वायर उसमें नहीं जाना चाहिए, उसका वायर इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। आपका बोर्ड भी जलेगा, घर भर का भी लाइन वन जल सकता है, तार वगैरह, ठीक है। बहुत सारा शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तभी मैंने ये तीनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अर्थिंग भी कनेक्ट, ये मेन फेज भी कनेक्ट, ठीक है। अभी रह गया इस स्विच से मुझे देना है सॉकेट को, दो सॉकेट को, एक टू पिन एक थ्री पिन, तो इस स्विच से इसको देना, तो मैं इसके लिए भी वायर डालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस स्विच से मुझे ये इसमें देना है, इस स्विच से मैं एक ले लेता हूँ वायर इस साइड से, ठीक है, और एक ले लेता हूँ मैं वायर इस साइड से, ये मैंने इसमें कर दिया। बीच में कनेक्ट करने के बाद अब मुझे इसमें दोनों में वायर एक एक डाल देना है, ये मैं इसमें डाल देता हूँ पहले। अब क्या होगा, यहाँ पे ये स्विच देने से यहाँ करंट आ जाएगा और ये और एक यहाँ भी आ जाएगा, तो मतलब ये एक स्विच से दो सॉकेट ऑपरेट आपका हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया आपका, ठीक है। ये फुल टाइट कर लेने से अच्छा है, क्योंकि लूज रहेगा तो स्पार्क वगैरह होगा। अभी बच गया मेरा इससे यहाँ पे एक कनेक्ट करने का, तो इससे मैं यहाँ पे एक कनेक्ट कर लेता हूँ इस स्विच से, क्योंकि इस स्विच से मुझे ये सेपरेट चलाना है सिंगल। पहले इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। एक बार इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये अंदर का पूरा कनेक्शन हो गया है, आप आराम से देख सकते हैं, पूरा खुद भी कर सकते हैं। और अभी मुझे यहाँ से वायर निकालना है बाहर के लिए, तो बाहर के लिए वायर निकालना है, तो मैं दो वायर ले लेता हूँ, एक को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, स्विच के नीचे वाले हिस्से में लगाएं, ठीक है, जिससे आपका दोनों स्विच में कनेक्शन चलता रहे। बस स्विच ऑन करने के बाद ही आपके इक्विपमेंट में पावर सप्लाई जाए, नहीं तो ये स्विच ऑफ रहेगा तो ये नीचे तक ही लाइन सीमित रहेगा, ये इधर उधर
किसी को करंट वरंट लगेगा नहीं, ठीक है। ये मैंने स्विच के नीचे वाले में कर दिया, दोनों स्विच कनेक्ट है, ये बाहर निकल गया। अब इसको मैं अर्थिंग में डाल देता हूँ। देखिए आप अर्थिंग में यहाँ यहाँ या यहाँ, इस तीनों जगह पे आप किसी भी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये तीनों जगह में कहीं भी आप करेंगे तो अर्थिंग एक दूसरे में कनेक्ट है, वो सप्लाई आ जाएगा अर्थिंग का, ठीक है, बॉडी अर्थ। तो ये हो गया कनेक्ट। अब चूंकि ये वायर एक ही में आपको लग रहा होगा, तो ये वायर यहाँ से कट करना है बाहर जाके बोर्ड में। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूँ, पता नहीं चलेगा ना कौन सा अर्थिंग कौन सा न्यूट्रल है, ये फेस है। तो मैं अभी इस अर्थिंग वाला जो आ रहा है इस साइड में टेप मार देता हूँ, तब पता चलेगा अपने को। और कोई भी आदमी अगर बोर्ड लेके जाता है तो उसको ही पता चल जाएगा, समझ लेगा इसमें अर्थिंग ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये मैं ये बोर्ड लिया हूँ, इसका बैक साइड का इसमें होल्ड किया मैंने वायर निकालने के लिए। तो अभी यहाँ से मैं वायर निकाल देता हूँ। तो ये देखिए अच्छे से वायर निकाल लें, ये मैंने वायर निकाल लिया। अब ऊपर वाले हिस्से की तरफ, ये 5 पिन का ये ऊपर वाला जो होल है बड़ा वो रखना है। ये आपका बोर्ड कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो बहुत सारे वीडियो मैं बोर्ड का डालते रहता हूँ, तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।